कृष्ण भक्ति में लीन मीरा श्री कृष्ण से अथाह प्रेम करती। कन्हैया से ऐसा लगाव कि सुबह शाम दिन के चारों पहर बस श्री कृष्ण के ही गुणगान गाती। नटखट कन्हैया की अद्भुत लीलाओं से भरा वो द्वापर युग था। अब कलयुग में भी मीरा जैसी कृष्ण भक्ति देखने को मिली है। 23 साल की युवती ने श्री कृष्ण से ऐसा प्रेम किया कि उनके बाल स्वरूप लड्डू गोपाल से शादी रचा ली। कहानी ग्वालियर में रहने वाली 23 साल की बीकॉम पास शिवानी परिहार की है। वृंदावन से लड्डू गोपाल की बारात ग्वालियर आई, फिर मंदिर में पूरे रिवाजों के साथ ये अनोखी शादी हुई। मेरा विवाह लड्डू गोपाल जी के साथ हो रहा है और मैंने संकल्प लिया था विवाह का करीब करीब 6-7 साल पहले कि मैं इन्हीं से ही विवाह करूँगी और किसी से नहीं, क्योंकि मुझे अपने आप को किसी और को नहीं सौंपना, इसलिए मैं लड्डू गोपाल से उनका है उन्हीं को सौंप दिया। आज कितनी खुशी का दिन है। सर वर्ड नहीं है मेरे पास कहने के लिए कि कितनी खुशी है। बस अगर अब थोड़ी देर में मुझे लग रहा है मैं रोने लगूंगी। दूल्हे की तरह सज धज कर सिंहासन पर सवार लड्डू गोपाल की बारात में रिश्तेदारों ने जमकर नाच गाना किया। लड्डू गोपाल जब मंडप तक पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत हुआ। लड्डू गोपाल के हाथों से शिवानी ने मंगलसूत्र पहना और फिर लड्डू गोपाल के हाथों से ही सिंदूर लेकर अपनी मांग भरी। इसके बाद विधि विधान से 7 फेरों की रस्म पूरी की गई। शिवानी ने बताया कि वो पिछले 7 साल से लड्डू गोपाल से शादी रचाने का सपना देख रही थी, जो अब पूरा हुआ है। अब वो वृंदावन रवाना होगी, वहाँ गीता और शिव पुराण का अध्ययन करेगी। शादी की बात, आप वृंदावन जाएंगी, क्या रहेगा? सर मैं विदा होकर तो वृंदावन जाऊंगी, फिर 4-5 दिनों के बाद यहाँ जो दूसरी विदा होती है पतफेरे की, उसके बाद 1 महीने बाद जाऊंगी मैं अध्ययन करने के लिए। फिर मैं वहीं रहूंगी 2 साल 1 साल 3 साल जितने से मैं भागवतम पढ़ूंगी और शिवपुराण पढ़ूंगी। मेरा मन शिवपुराण पढ़ने का ज़्यादा है क्योंकि मैं शिव जी को भी बहुत ज़्यादा मानती हूँ, इसलिए। मम्मी पापा बहुत खुश हैं, मम्मी भी बहुत खुश हैं, सारे रिश्तेदार बहुत खुश हैं, सभी लोग आगे बढ़ बढ़ के सारा शामिल हो रहे हैं शादी में। शिवानी के पिता राम प्रताप परिहार सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं और माँ मीरा परिहार घर संभालती हैं। इनकी 2 बेटियां हैं, बड़ी बेटी की शादी पहले हो चुकी है। पिता का कहना है कि अब वो बहुत खुश हैं। बेटी शिवानी की शादी लड्डू गोपाल से हुई है, लड्डू गोपाल उनके घर के दामाद बने हैं। अब बेटी जीवन भर लड्डू गोपाल की सेवा करेगी। शादी हो रही है, सारे जीवन उनको समर्पण करने वाली, बढ़िया, बहुत खुशी की बात है और बढ़िया तरीके से चल रही है। सब लोग आ रहे हैं, जी मथुरा वृंदावन पहुँच जाएंगे। लड्डू गोपाल की संक्रांति हो रही है और सारा जीवन लड्डू गोपाल की बढ़िया भक्ति करेगी, अपने खुशी यहाँ खुशी। हाँ लड्डू गोपाल जी का जावन वाली और खुशी, इससे बड़ी बात क्या होगी। बड़ी संस्कारी कि हम ऐसी लड़की के पिता बने, हमको बहुत गर्व है, बढ़िया रहा। राम प्रताप परिहार। शिवानी और लड्डू गोपाल की शादी का पूरा इंतजाम छायांकन जन चेतना एवं जन कल्याण संस्थान ने किया। शादी का सर्टिफिकेट भी बनाया गया है। सामाजिक संस्थान का कहना है कि ऐसा अद्भुत विवाह उन्होंने जीवन में पहली बार कराया है। भगवान लड्डू गोपाल का विवाह कराना उनके लिए सौभाग्य की बात है। नाम दिव्या हड़ा है और हम छायांकन जन चेतना जन कल्याण समिति NGO चलाते हैं अपनी, और उसी के तहत हमने आज 5 कन्याओं के विवाह कराए हैं, जिसमें से एक हमारे लड्डू गोपाल जी का भी विवाह हो रहा है। उसमें पूरी रीति रिवाज के साथ सारी उनकी जो रस्में होती हैं वो भी कराई गई हैं, मेहंदी हल्दी सभी जो होती हैं एक लड़की की और एक लड़के की जो शादी में होता है वही सारा उनके में कराया गया है और पूरे रीति रिवाज से उनका विवाह संपन्न कराया जा रहा है यहाँ पर। और उसके लिए हम एक मैरिज सर्टिफिकेट भी उनको दे रहे हैं अपनी संस्था की तरफ से, जैसा एक वर और वधू को दिया जाता है शादी के बाद, दिखाना भी है क्या। ये अपनी वृंदावन से बरात आई हुई है मथुरा से। हाँ हाँ, ये एक अद्भुत विवाह है और ये हमने अभी तक ग्वालियर में तो नहीं देखा है। ये हमारी संस्था भी पहली बार ही ऐसा विवाह करा रही है और ये अपने आप में एक बड़ी बात है। एक लड़की का जो समर्पण है भगवान के लिए वो उन्होंने इसी तरह से दिखाया है।
वाकई में शिवानी ने अपना जीवन लड्डू गोपाल को समर्पित कर दिया। आज उस जोड़ी ने रीति रिवाज के साथ विवाह किया। इस दौरान हजारों लोग इसके गवाह बनकर वर वधु को शुभकामनाएं देने पहुंचे। इस बीच गांव के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी शिवानी और लड्डू गोपाल की शादी ने खूब सुर्खियां बटोरी। ग्वालियर से सुशील कौशिक की रिपोर्ट।